तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट पुमा के शूज, जो कि ना आपको ना 50 से लेके 55% के डिस्काउंट के साथ में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं मिंत्रा पे। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे ना ओवर साइज टी शर्ट का एक गिव अवे चल रहा है, तो वो वाला लिंक भी ना ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके ना पार्टिसिपेट कर सकते हो और गिव अवे के अंदर भी आप लोग जाके जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो गाइस फटाफट से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं फटाफट से कौन से टॉप 5 बेस्ट पुमा के शूज है। आप डेफिनेटली ये पुमा के शूज डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से चलते हैं ना स्क्रीन पे। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं मिंत्रा के स्क्रीन पे, फटाफट से आप लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट करके टॉप 5 जो बेस्ट पुमा के शूज है जिसपे बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने ऐड टू कार्ट करके रख दिया। यहाँ पे पहला शूज की अगर मैं बात करूँ गाइस, आप लोग पीछे देख सकते हो कि मेन है ना व्हाइट एंड ब्लैक कलर का शूज होने वाला है, काफी ज्यादा कलर ब्लॉक वाला ये स्नीकर्स है। गाइस मैं बता दूं ना, पुमा के जो 2000 के अंदर के जो भी शूज होते हैं आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। 55% ऑफ के बाद है ना, काफी अच्छे प्राइस के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। साइड में आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो यहाँ पे लाइंस बनाई गई है, इतना ज्यादा खूबसूरत इस शूज को बना रहा है गाइस। देख सकते हो कि व्हाइट ब्लैक कलर के अंदर इसको कितना ज्यादा कलर ब्लॉक के अंदर इसको डिजाइन किया गया है। और पीछे की सोल आप देख सकते हो कि पूरी ब्लैक कलर की पुमा का ब्रांडिंग लोगो मिल जाएगा, और साथ में जो जिगजैग सी लाइन बनाई गई है व्हाइट के अंदर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आप पीछे वीडियो में देख पा रहे होंगे, ऊपर की मटेरियल ना पूरा मेश से बनाया गया, साथ में ना ब्लैक का थोड़ा सा लेदर का भी यूज किया गया। इंसोल की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, इंसोल में आपको ना काफी अच्छा खासा कुशन देखने के लिए मिल जाएगा। पुमा है तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी कुशनिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल पीछे आप देख सकते हो फोटोज वगैरह में कि कैसा शूज है, ओवरऑल सारी चीज़ें काफी ज्यादा अच्छी है। तो गाइस 55% ऑफ के बाद है ना, आपको यहाँ पे जो ना सिर्फ और सिर्फ 2049 का देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअल इसकी प्राइस है ना 4499 की है, पर अभी है ना 55% ऑफ के बाद आपको 2049 में देखने के लिए मिलने वाला है। तो सेकंड शूज जो होने वाला है ना, वो एक यूनिसेक्स शूज है जो कि मैन वुमेन दोनों भी पहन सकते हैं। तो गाइस ब्लैक कलर का स्नीकर्स होने वाला है, रेड कलर के अंदर आपको ना पुमा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलने वाली है। और गाइस रेड कलर के अंदर जो पुमा की ब्रांडिंग दिखती है ना, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। साथ ही साथ है ना आपको ना मेज मटेरियल देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। मेज मटेरियल का फायदा यह होता है कि काफी ज्यादा एयर फ्लो होता है आपको ना अंदर, अगर बहुत टाइम तक आप शूज पहन के रखते हो तो आपको ज्यादा हीटिंग वगैरह नहीं करता है। इनसोल वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है, रेड पूरा ब्लैक कलर का शूज है, रेड कलर के अंदर आपको पुमा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल आप लोग ये भी स्नीकर चेकआउट कर सकते हो 55% ऑफ के बाद है ना, आपको 1799 पे देखने के लिए मिलने वाला है। ईएमआई ऑफर्स वगैरह सारे सब कुछ अवेलेबल, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो फटाफट से चलते हैं ना तीसरे शूज की तरफ। तीसरा शूज है हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये पूरा के पूरा ना ब्लैक कलर के होने वाला है ये वाला शूज भी। इसकी भी पूरी बॉडी ना पूरी मेश से बनाई गई है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से वहां पे ना रेड कलर के अंदर पुमा की ब्रांडिंग दी ना, उसी तरीके से यहाँ पे ना व्हाइट कलर के अंदर पुमा की ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की सोल की अगर मैं बात करूँ तो गाइस सोल काफी ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा हार्ड सोल है और काफी ज्यादा ना ग्रिपेबल ये सोल आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे की तरफ आपको पुमा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और पीछे ना छोटे इसमें ना सॉफ्ट राइड करके लिखा हुआ है। पूरा ऊपर का मटेरियल ना सॉफ्ट कुशन से बनाया गया, काफी ज्यादा अच्छा है। लेसर्स की क्वालिटी भी जबरदस्त है, ओवरऑल आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पीछे लेदर की इसमें ना ब्लैक इसमें बेल्ट में आपको है ना काफी ज्यादा यूनिक सा डिजाइन भी देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल गाइस ये भी ना 55% ऑफ के बाद है ना 1934 का आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ ना आपको 14 डेज की रिटर्न पॉलिसी भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस फटाफट से चलते ना इस हॉल के हमारे चौथे शूज की तरफ। तो गाइस चौथा जो शूज है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये ना कलर ब्लॉक वाला शूज होने वाला है। एक्चुअली कलर ब्लॉक वाले जो पुमा के शूज है ना गाइस काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत है। कलर ब्लॉक वाला रेगुलर स्नीकर्स होने वाला है। तो कलर की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे ना आपको ना लाइट ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, साथ ही साथ वॉलेट कलर, ग्रे कलर और व्हाइट कलर, तो गाइस कितने सारा कलर कॉम्बिनेशन के अंदर इसको शूज को बनाया हुआ है, और साथ ही साथ कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देख सकते हो पीछे आपको दिख रहा होगा, इसमें भी नीचे ना ग्रे कलर की सोल देखने के लिए मिल जाएगी, पुमा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और वही जिगजैग वाली लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस पीछे की तरफ है ना ग्रीन एंड वॉलेट के अंदर जो पुमा की ब्रांडिंग की है, इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल ऊपर आपको थोड़ा सा मैच मटेरियल भी देखने के लिए मिल जाएगा, रबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एकदम हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया इसके अंदर। और साथ में जो है ना ब्लैक के अंदर जो है ना जो लाइंस बनाई गई एकदम खूबसूरत स्नीकर्स को बना देती है। तो ओवरऑल गाइस इसको भी चेकआउट कर सकते हो, सारे स्नीकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्टली जो जाके जो है चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस फटाफट चलते हैं ना इस हॉल के हमारे आखिरी शूज की तरफ। वो हॉल का ना आखिरी शूज भी एक कलर ब्लॉक वाला होने वाला है, क्योंकि कलर ब्लॉक वाले जो स्नीकर्स है ना गाइस 2023 में बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, और 2024 में भी काफी ज्यादा ट्रेंड में रहने वाले, क्योंकि आप लोग है ना इसको ना ओवर साइज जो आपके कपड़े होते हैं बैगे फिट वाले, उसके बाद आपको काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने में मदद करते हैं। तो गाइस इसके अंदर भी ना काफी ज्यादा कलर्स यूज किए गए, जैसे कि ब्लू हो गया, उसके बाद ना डार्क ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, साथ में ऑरेंज कलर के अंदर इसके अंदर डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर येलो के अंदर ना आपको पुमा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और येलो भी आपको पैच देखने के लिए मिल जाता है, वॉलेट कलर का, ब्लू कलर का पैच देखने के लिए मिल जाएगा,
साथ ही साथ में डार्क ब्लू कलर का भी पैच यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और ऊपर है ना ग्रे कलर के अंदर है ना आपको मेस मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे आपको ब्लैक सोल देखने के लिए मिल जाएगी, पुमा की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और व्हाइट कलर के अंदर जिगजैग की लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस मेरे हिसाब से काफी ज्यादा खूबसूरत है कलर ब्लॉक वाले स्नीकर्स है। ऊपर का मटेरियल ना मेस मटेरियल है, आपको पता है कि पुमा। तो गाइस मैंने ना आपको ये बेस्ट अंडर 2000 वाले स्नीकर्स बताए हैं, आपको ना डेफिनेटली जरूर लेना चाहिए। अगर आप एक अच्छा ब्रांड वाला शूज देखना चाहते हो अंडर 2000 का, अगर आपका बजट है तो आप लोग डेफिनेटली इसके लिए ना पुमा वाले शूज के लिए जरूर जा सकते हो। एकदम बेस्ट है, कलर ब्लॉक वाले काफी ज्यादा फेमस भी है इनके पुमा के स्नीकर्स। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थे आज की वीडियो के हमारे टॉप 5 है ना बेस्ट पुमा के अंडर 2000 वाले शूज। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारे लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे शूज के, तो आप लोग डायरेक्टली जाके चेकआउट कर सकते हो। एक्स्ट्रा कूपन्स अगर आपके पास है तो ये आपको और भी कम प्राइस में आपको देखने के लिए मिलने वाले। सारे शूज पे 50% से लेकर 55% का ऑफर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे आने वाली अगली वीडियो के अंदर। तो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।